सो हेलो एवरीवन तो आज की इस वीडियो हम लोग करेंगे एक प्रैक्टिस सेट जो कि होगा एयरफोर्स और नेवी के स्टूडेंट के लिए तो चलिए शुरू करते हैं ठीक है और देखिए जो जो भी कोर्सेज पेंडिंग थे जैसे कि अभी तीन चार दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी ड्यू टू पर्सनल रीजंस तो अब वो सभी कोर्सेज़ कॉन्टी होंगे जैसे कि आज प्रैक्टिस सेट और जो भी कोर्सेज़ चल रहे थे जैसे कि हम लोग सीनोनिम कर रहे थे वो कैप्स डेली सुबह वीडियो आ रही तो वो डेली आप लोगों को कल से अब मिलेगी रेगुलरली तो अभी तीन चार दिन का ब्रेक हो गया उसके लिए सॉरी और चलिए शुरू करते हैं तो इसमें मैं इंग्लिश का क्वेश्चन करवाने वाला हूँ ठीक है ट्वेंटी क्वेश्चन होंगे जैसे कि आपका आता है पेपर में एयरफोर्स और नेवी के पेपर में तो सभी एसपेरेंट्स के लिए चाहे ग्रुप एक्स हो वाई हो डबल एस एस आर सभी एस्पेरेंट्स के लिए यूज़फुल रहेगा तो मेक श्योर लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए और क्वेश्चंस ख़ुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करने के और देखिए कि क्या आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं फिर नहीं ठीक है और अपना स्कोर जितने भी ट्वेंटी में आपका कितना स्कोर आया ये आप लोग मुझे लास्ट में कमेंट सेक्शन से में बताइएगा और किसी में क्वेश्चन में डाउट आता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझको बताइएगा तो चलिए शुरू करते हैं पहले आपको ऐसे एक पैसेज देखने को मिलेगा जिससे रिलेटेड आपको चार क्वेश्चन मिलेंगे पैसेज के लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे पैसेज में आपको पूरे मार्क्स लाने हैं तो मेक श्योर अगर आपने वो नहीं देखा तो देख लीजिएगा तो चलिए पैसेज पढ़ते हैं तो ये मैंने आपको बताया था कि पैसेज पढ़ने से पहले आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने हैं और उसके बाद आप लोगों को पैसेज पढ़ना है ठीक है तो पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं देखिए यहाँ पर आपको तीन ही क्वेश्चंस दिख रहे होंगे लेकिन वहाँ पर आपको चार क्वेश्चंस मिलेंगे इससे पहला क्वेश्चन देखिए व्हाट इज़ द एम ऑफ एजुकेशन यानी एजुकेशन का एम क्या है ये पूछा गया है दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्राम एन एजुकेटेड मैन यानी कि एक एजुकेटेड मैन से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है क्या आशा की की जाती है और तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ स्टूडेंट व्हेन ही लीव्स द कॉलेज यानी कि किसी एक स्टूडेंट से क्या आशा की जाती है जब वो एक कॉलेज छोड़ता है तो ये हम लोग के क्वेश्चन आप है पढ़ते हैं पैसेज द एम ऑफ एजुकेशन इज टू ड्रॉ आउट ऑल द फैकल्टीज ऑफ द बॉय ऑन एवरी साइड एट हिज नेचर टू डेवलप इन हिम एवरी इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल पावर एंड टू स्ट्रेंथन हिम फिजिकली मेंटली एंड स्परिचुअली फिट दैट ही मे टर्न आउट एट द एंड ऑफ हिज कॉलेज करियर अ यूजफुल अफुल पैट्रॉटिकेंटलमैन हु रिस्पेक्ट हिम सेल्फ एंड रिस्पेक्ट अराउंड हिम तो आगे चलिए पढ़ते हैं पहले वेन अ बॉय गोज आउट ऑफ इज कॉलेज ही शुड बी फुल ऑफ लाइफ फुल ऑफ फिगर फुल ऑफ एनर्जी एंड फुल ऑफ डिलइट इन इज यंग लाइफ टू टेक अप द बर्डन ऑफ द वर्क ऑफ द वर्ल्ड तो देखिए आखिरी आप ये पढ़िए तो आंसर से आपको आखिरी का आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन का जैसे कि वेन अ बॉय गोज आउट ऑफ इज कॉलेज ही शुड बी फुल ऑफ द लाइफ फुल ऑफ फिगर फुल ऑफ एनर्जी एंड फुल ऑफ डिलइट इन इज़ यंग लाइफ टू टेक अप द बर्डन ऑफ द वर्क ऑफ द वर्ल्ड तो जो आखिरी क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि किसी एक स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है जब वो कॉलेज छोड़ता है तो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है टू टेक द बर्डन ऑफ द वर्ल्ड तीसरा ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा और बाकी के दो क्वेश्चन है कि वॉट इज द एम ऑफ एजुकेशन तो इसके लिए ऑप्शन है मेंटल डेवलपमेंट मॉरल डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या फिर ऑल ऑफ दिस तो सही आंसर इसका होगा डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस क्योंकि यहाँ पर देखिए आप देख सकते हो इन एम एवरी इंटलेक्चुअल एंड मॉरल पावर एंड टू स्ट्रेंथन एंड फिजिकली मेटली स्परिचुअली फ़िट तो ये सभी चीज़ें आपके जैसे कि मेंटल डेवलपमेंट आ गया मॉरल डेवलपमेंट यहाँ देखिए मॉरल पावर आ गया और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी यहाँ पर लिख रखा तो है तो ये सारे ऑप्शन हैं तो इस वजह से डी ऑप्शन से आंसर होगा ऑल ऑफ़ दिस फिर अगला क्वेश्चन है तो सेकेंड नंबर की वॉट इज़ एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन एजुकेटेड मैन यानी कि एक एजुकेटेड मैन से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है तो उससे एक्सपेक्ट किया था टू रिस्पेक्ट हिम सेल्फ एंड अदर्स तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा तो पैसेज के फिर से मैं सही आंसर रिपीट कर देता हूँ पहले क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी ऑप्शन दूसरे का सही होगा ए ऑप्शन और तीसरे का सही आंसर होगा सी ऑप्शन टू टेक द बर्डन ऑफ द वर्ल्ड ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं देखिए पैसेज बहुत ही एक आसान चीज़ होता है आपको चार मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप पूरा इसमें पैसेज समझ जाते हो उस पर मैं एक पर्टिकुलरली वीडियो बना चुका हूँ ताकि आपको कैसे पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं तो मेक श्योर आप उसको चेकआउट कीजिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए चूज करेक्ट फॉर्म ऑफ गिव वर्ब टू फिल इन ईच ब्लैंक यानी कि चार और दो क्वेश्चन जो आगे हैं फोर्थ और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इनमें आपको सही वर्ब भरने हैं तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि आई शैल टेल हिम वेन ई डैश बैक कम बैक के एम बैक कम्स बैक या फिर शैल कम बैक

रेन यानी कि बरसात चालू हुई तब सी ऑप्शन सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन है नरेशन से कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो तो चॉइसेस आपको यहाँ पर दी गई हैं उनमें आपको सही आंसर बताना है सिक्स्थ क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं सेंटेंस दिया गया है कि द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन तो ये डायरेक्ट स्पीच में है और आपको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है तो द टीचर टोल दैट द अर्थ मूव द अर्थ मूव द सन इफ द टीचर एक्सप्लेन दैट द अर्थ इज मूविंग द सन तो यहाँ पर एक जनरल बात हो रही है कि द अर्थ मूव द सन तो मूव्स का यहाँ पर मूव्ड तो हो नहीं जाएगा मूव्स का मूव्स ही रहेगा तो पहला ऑप्शन तो ऐसे एलिमेंट हो गया और यहाँ पर एक्सप्लेन दैट द अर्थ इज मूविंग देखिए यहाँ पर भी मूव्स का मूविंग कर दिया गया तो ये भी आपका गलत हो जाएगा तो आप बचे तो एक ऑप्शन के साथ देखिए यहाँ पर चौथा ऑप्शन नहीं है मिस्टेक है आपको वहाँ पर चार ऑप्शन ही मिलेंगे हर क्वेश्चन के लिए तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन होगा द टीचर एट दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन ठीक है बी ऑप्शन सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो तो कीप टू द लेफ्ट ये आपका सेंटेंस है इसको सही पैसिव वॉइस आपको बताना है ऑप्शन है लेट द लेफ्ट बी कैप्ट वन शुड कीपू द लेफ्ट लेफ्ट या फिर लेफ्ट शुड बी कैप्टो तो कीप टू द लेफ्ट का जो सही है आपका पैसिव फॉर्म होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन यू आर एडवाइज द लेफ्ट ठीक है इसका नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी ऑप्शन यू आर एडवाइज टू की लेफ्ट फिर अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट कंपेरेटिव ऑफ द एबजेक्टिव विदाउट चेंजिंग इट सेंटेंस फ्राम द चॉइस गिवन बिलो तो एट नंबर क्वेश्चन है कि ही इज़ द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन इसमें आपको करेक्ट कंपेरेटिव ऑफ एडजेक्टिव बताना आपको बिना सेंटेंस को चेंज किए हुए तो ही इज़ द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन आपका सेंटेंस है ऑप्शन आपके ही इज़ मोर ऑनेस्ट दैन मैनी अदरस ही इज़ मोर ऑनेस्ट दैन एनी अदर पर्सन नो अदर पर्सन इज एज ऑनेस्ट एज ही इज़ ही इज नॉट लेस ऑनेस्ट दैन अदर तो सही आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन ही इज मोर ऑनेस्ट दैन एनी अदर पर्सन ये बिना सेंटेंस का जो मीनिंग चेंज ही होगा इसको कम्पेटिव डिग्री में चेंज करने का वो यही बी ऑप्शन नहीं होगा और सब में आप देख सकते हो यहाँ पर फॉर्म जो सेंटेंस है का मीनिंग है वो चेंजड है और अगर नहीं भी चेंज है तो सही कम्पेटिव उसका फॉर्म नहीं है तो जो सही आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन ठीक है अगला क्वेश्चन है चूज करेक्ट प्रपोजिशन फॉर ईच प्लान नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है तो नाइन्थ टेंथ इलेवंथ में हमको सही प्रपोजिशन बताना नाइन्थ है कि ही किय द पुलिस ऑफिसर तो ऑप्शन विद ऑफ टू या फिर इन तो सही आंसर होगा इसका पहला ऑप्शन विद ही वॉज चार्ज विद्ड बाय द पुलिस ऑफिसर तो जब भी चार्ज जाएगा ना चार्ज उसके बाद हमेशा जो प्रपोजिशन आएगा वो विद ही होगा इस बात को आप रख लीजिए तो जो सही आंसर होगा वो पहला ऑप्शन होगा विद ही वॉज चार्ज विद्प्ट बाय द पुलिस ऑफिसर अगला क्वेश्चन तो no है कोई प्रपोजिशन इस सेंटेंस में नहीं आएगा तो सही आंसर इसका डी ऑप्शन नो प्रपोजिशन यानी कि इस सेंटेंस में कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगा इस चीज़ को भी रेट लीजिए कि जब भी ऐसा वर्ड आता है रिजेंबल्स कोई भी प्रपोजिशन इसके बाद नहीं आएगा रिजेंबल्स फॉलोज नो प्रपोजिशन इस चीज़ को याद रखिए कभी भी रिजम्बल्स के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आता सही आंसर होगा नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन अगला क्वेश्चन इलेवेंथ नंबर की ही डैश अ फैमिली ही बिलोंग अ अनोबल फैमिली ही बिलोंगड अ अनोबल फैमिली ही बिलोंगड अनोबल फैमिली या फिर ही बिलोंग टू अ अनोबल फैमिली तो सही आंसर पर, होगा डी ऑप्शन बिलोंग टू 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 अ फैमिली का पर पे का यूज होगा ठीक है फिर अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक यानी कि सही आपको वर्ड बताना है दो ऑप्शन हैं ठीक है और इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही फिट बैठेगा पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं ट्वेल्थ नंबर आई कॉट रिजर्वेशन फॉर अ डैश इन ए पी एक्सप्रेस मतलब आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस तो बर्थ और बर्थ प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम बट मीनिंग डिफरेंट होगा स्पेलिंग है पहले वाले की बी आई आर टी एच और दूसरे वाले की बी ई आर टी एच तो जो सही बर्थ यहाँ पर यूज होगा वो होगा बी ऑप्शन वाला बर्थ ये देखिए ये बर्थ होता है जन्म से रिलेटेड होता है इसका होता है जन्म और ये होता है रिलेटेड आपका जो ट्रेन में आप बर्थ होती है उनसे तो सही आंसर होगा बी ऑप्शन आई गॉट रिजर्वेशन फॉर अ बर्थ इन ए पी एक्सप्रेस अगला क्वेश्चन है टोल्ड इज स्टोरी विद अ डैश हार्ट सोर हार्ट एथ सोर देखिए एस ओ यू आर एस ओ आर ई तो ये सोर होता है खट्टा इसका ना, तो खट्टा हार्ट ऐसा कुछ नहीं होगा तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा ही टोल्ड इज स्टोरी विद अ सोर हार्ट एस ओ आर ई सोर ठीक है अगला क्वेश्चन चूज द ऑपोजिट वर्ड ब्लेसिंग का आपको और एक्सपोर्ट का ऑपोजिट बताना है नंबर क्वेश्चन में तो ये ब्लैसिंग में आपको करवा चुका हूँ ये वर्ड ठीक है और इसका आपको बताना है कि ऑपोजिट क्या होगा तो ब्लेसिंग का मतलब होता है दुआ ठीक है दुआ देना तो ऑप्शन हैं थैंक्स गुड विशेष एनकरेज या फिर कर्स तो सही आंसर इसका डी ऑप्शन कर्स यानी कि कर्स का मतलब होता है बदुआ देना ब्लेसिंग का मतलब होता तो है दुआ और कर्स का बदुआ तो डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें एंटोनिम बताना था आपको ऑपोजिट वर्ड बताना था फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या वर्ड है एक्सपोर्ट इसका आपको एंटोनिम बताना है एक्सपोर्ट का एक्सपोर्ट मतलब चीज़ों को बाहर भेजना ठीक है और इसका जो एंटोनियम हो जाएगा अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा इम्पोर्ट चीज़ों को अपने देश में लाना या फिर कई चीज़ों को मंगाना ठीक है अगला क्वेश्चन है कि चूज़ द वर्ड विद द सेम मीनिंग यानी कि एग्जॉस्टिव और नीट दो वर्डीन और सेवनटीन्थ क्वेश्चन नंबर में जिनको आपका सिनोनिम बताना है सेम मीनिंग बताना है तो पहला वर्ड है सिक्सटीन क्वेश्चन में कि एग्जॉस्टिव एग्जॉस्टिव का आपका सेम मीनिंग यानी कि सिनोनिम बताना है ऑप्शन से कंप्लीट टायर्ड वेरी या फिर कॉम्प्रीहेंसिव तो सही है, पहले तो मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि बिल्कुल थका हुआ ठीक है बिल्कुल किसी चीज़ में थक जाना बिल्कुल तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन कॉम्प्री कॉम्प्रीहेंसिव ठीक है अगला वर्ड है और कम्प्लीट करना पूरा टायर्ड मतलब थका हुआ और वी का मतलब भी ऐसा है ए का में थका हुआ ठीक है फिर अगला क्वेश्चन देखिए वर्ड है नीट एन ई ए टी नीट का मतलब होता है साफ साफ सुथरा तो प्योर परफेक्ट टाइडी हेल्दी आपके ऑप्शन है सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन टाइडी ठीक है इसका मतलब भी साफ़ होता है और अगला क्वेश्चन देखिए चूज द रॉन्ग पोर्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यानी कि तीन आपको पार्ट मिलेंगे हर क्वेश्चन में और आपको बताना कि किस में एरर है अगर किसी में भी एरर नहीं है तो आपका आंसर होगा डी ऑप्शन ठीक है तो पहला सेंटेंस है कि ही ऑलवेज टेल द ट्रुथ तो इसमें कौ, कौन से पार्ट में एरर है तो इसमें एरर है पार्ट बी में यहाँ पर टेल नहीं होगा बल्कि टेल्स होगा ही ऑलवेज क्योंकि ऑलवेज से पता चल रहा है कि हमेशा जनरल बात हो रही तो ऐसे जगहों पर टेल्स यूज़ होगा ना कि टेल यूज़ होगा ठीक है फिर अगला क्वेश्चन है सेंटेंस है कि द गाउ एज वेल एज दॉस वन तो जो एरर है वो है पार्ट सी में यहाँ पर वर्क की जगह वॉज होगा क्यों क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कन्वेंशन यूज है एज वेल एज जब भी ये कन्वेंक्शन से दो पार्ट ऑफ सेंटेंस जोड़े गए हों तो जो वर्ब फॉलो करती है जो वर्ब आगे आती है वो जो पहला पार्ट होता है सेंटेंस के उसके हिसाब से आती है वैसे तो यहाँ पर दोनों ही सिंगलर हैं लेकिन यहाँ पर जब भी इस चीज़ को याद रखिएगा एज वेल एज आता है तो जो पहला पार्ट होता है सेंटेंस का जो पहला सब्जेक्ट होता है उसी के हिसाब से यहाँ पर वर्ब आती है तो यहाँ पर पहला जो सब्जेक्ट है वो सिंगलर है तो वैसे तो यहाँ पर दोनों सिंगलर है लेकिन आप इस चीज़ को याद रखिएगा जो पहला आपका सब्जेक्ट है उसी के हिसाब से वर्ब आएगी तो द काउ सिंगलर है तो यहाँ पर सिंगलर वर्ब आएगी वॉज वो यहाँ पर इस्तेमाल होगा ना कि वर अगला क्वेश्चन है आखिरी क्वेश्चन है जिसका कि आंसर आप लोगों को देना है कमेंट सेक्शन में कि ही इज रियली सीनियर दैन मी इन एक्सपीरियंस तो ए बी सी में किस में रर है किसी में रर नहीं तो डी ऑप्शन आपका आंसर होगा तो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आपके बीच में ऐसे कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी बताइएगा और ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा और जैसे कि उन्होंने बताया इस चैनल पे ही नहीं बल्कि जो दूसरा चैनल है परमार अकेडमी उस पर भी ये कोर्सेज हैं वो कंटिन्यू रहेंगे जैसे कि पहले थे तो मेक श्योर sure आप चेकआउट करते रहिए उसको उसको भी और इसको भी ठीक है क्योंकि रेगुलर अब वीडियोज़ आएँगे तो मेक श्योर दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके कर रखे नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें अगर नहीं किया तो और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़रूर और कोई डाउट तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो धन्यवाद